बिहार के दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा बिहार पुलिस ने किया है। पुलिस का दावा है कि ये वारदात को लेन देन के विवाद में चार लोगों ने अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में वारदात कबूल करते हुए इसकी वजह भी बताई है। अब पुलिस मामले की सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में जुटी है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें बताया कि गांव के ही दो लोगों ने जीतन सहनी के पास अपनी बाइक गिरवी रखकर कुछ रुपए उधार लिए थे। सोमवार की देर रात करीब 10:30 बजे ये दोनों लोग अपने दो अन्य साथियों के साथ गिरवी रखी बाइक को छुड़ाने के लिए पहुंचे। यहाँ इन लोगों का जीतन सहनी के साथ ब्याज की रकम को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए जीतन सहनी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों का 2 दिन पहले भी जीतन सहनी के साथ झगड़ा हुआ था। उस समय आरोपियों ने जीतन सहनी को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी जीतन सहनी की हत्या की तैयारी के साथ उनके घर पहुँचे थे और चारों आरोपियों के पास लंबे फल वाले चाकू थे और चारों ने ही मिलकर एक साथ जीतन सहनी के ऊपर हमला किया। जिस आरोपी की बाइक थी उसी ने चाकू से जीतन सहनी के पेट पर वार किया और नीचे से ऊपर की ओर खींचते हुए गंभीर जख्म दिए और इसमें चलते जीतन सहनी की आपको बता दें कि बहुत ही निर्ममता से हत्या की गई और पुलिस के मुताबिक आरोपी जीतन सहनी की मौत के बाद भी उनके ऊपर हमले करते रहे। पुलिस के मुताबिक आरोपी जीतन सहनी के घर में करीब 10:30 बजे घुसे और आधे घंटे में ही वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल लिए। जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में इन बदमाशों के उनके घर में आने और जाने का फुटेज रिकॉर्ड हो गया। उसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की है और आरोपियों की पहचान होने के बाद उनके मोबाइल की लोकेशन के आधार पर दबिश देकर कल ही इन्हें हिरासत में लिया गया था। फिर जरूरी पूछताछ के बाद देर रात इन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी दरभंगा के सुपौल स्थित अपने घर में अकेले ही रहते थे। 70 साल के जीतन सहनी के देखरेख और खाना बनाने के लिए उनके साथ दो नौकर भी रहते थे। हालांकि खाना बनाकर खिलाने के बाद रात में ये दोनों नौकर अपने घर चले जाते थे। उनके जाने के बाद जीतन सहनी भी गेट में ताला लगाकर अपने कमरे में आकर सो जाते थे। वारदात के दिन भी यही घटनाक्रम हुआ। चूंकि आरोपियों को जीतन सहनी का रूटीन मालूम था इसलिए वो वारदात को अंजाम देने के इरादे से ही दोनों नौकरों के जाने के बाद जीतन सहनी के घर में घुसे और फिर उनकी हत्या कर दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।